आसनसोल रेलवे स्टेशन के निकट एक युवक वहां पर खड़ी पुलिस की एक जीप के अंदर से मोबाइल चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से उसे पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि पुलिस की जीप आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। जीप के अंदर कोई नहीं था, जिसके अंदर एक मोबाइल रखा हुआ था। वह युवक जीप के पास गया और मौका देखकर उसने जीप के अंदर से मोबाइल उठा लिया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय युवकों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया और थाने ले गई। हालांकि वह युवक बार बार यह कह रहा था कि उसने मोबाइल नहीं लिया। अरे दूसरे को मेरे को दिया है। कौन दिया? वो लड़का रहा। वो लड़का वो कौन है? वही दिया मेरे को हाथ में मोबाइल। कौन दिया? अभी हाथ तुमको तो देखे, ये पुलिस की गाड़ी से मोबाइल लेके भाग गया। इसी वही पुल के अंदर रोड से भाग रहा था। बस इसका पीछा किया तो ये पहले पुल में छुपा हुआ था, बाद में देखा इतना लड़का लोग पीछे पड़ा तो ये भागने गया, तो एक लड़का पकड़ा तो हम लोग पकड़े इसको गाड़ी। हाँ, इसके पास से मोबाइल मिला है और ये खड़ा ये बोल रहा है कि कोई और इसको मोबाइल दिया, जबकि यही लेके भागा है। अभी साउथ पीस का किसी हिसाब का गाड़ी। हम लोग बस वहाँ से आ ही रहे थे, हम लोग खड़ा थे यहाँ पे, जस्ट खड़े हुए थे दोस्त के इंतजार के लिए। बस देखे वैसे ये मोबाइल लिया और एकदम दौड़ गया। क्या नाम है? मेरा मोहित है, मोहित कुमार। नमस्कार सर। বার্নপুরের হীরাপুর এমসিটি গার্লস স্কুলের রং আর তরি আর্ট সেন্টারে একদিনে হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়, যেখানে 200+ শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্ড কাউন্সিলর শিবা বাউরি, আইক্রনিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বাবাই বন্দ্যোপাধ্যায়, রং আর তরি আর্ট সেন্টারের শিক্ষক রবীন্দ্র গাঙ্গুলি এবং অরবিন্দ প্রমুখ এই কর্মসূচিতে প্রধানত উপস্থিত ছিলেন, যিনি এই অনুষ্ঠানে অনেক প্রশংসা করেছেন। প্রতিযোগিতা দেখা গেল শিক্ষার্থীরা কেউ কম নয়, সবারই অসাধারণ হাতের লেখা দেখা গেছে। রঙের তরি সেন্টারের পক্ষ থেকে আজকে একটা হস্তাক্ষর এক্সাম হচ্ছে। মোটামুটি প্রায় 200-250 বাচ্চা পার্টিসিপেট করেছে। মানে আমার দেখা বার্নপুর আসানসোলে ফার্স্ট এত বড় একটা সেন্টার যেখানে এত এত বাচ্চা এক্সাম দিচ্ছে, খুব ভালো লাগলো এখানে এসে। নার্সারি থেকে একদম ক্লাস 10-12 তক। রঙের তরি সংস্থা, মেরে বচ্চে ভি ইয়াহ পর সিখতে হ্যায় আর ইয়ে লোক বহুত আচ্ছে সে সিখাতে হ্যায়, বহুত কেয়ারফুলি সিখাতে হ্যায়। মেরা নাম শ্রী হ্যায় আর মে আইকনিক ফাউন্ডেশন কা অনার হু। আজ এক্সাম হো রা হ্যায়, ইয়ে এক্সাম হ্যায় রং তুলি কা, হ্যান্ড রাইটিং কা और आर्ट का, इस सब का एग्ज़ाम हो रहा है आज। आज यहाँ 230 से 300 बच्चा अटेंड किया है, सब क्लास का है, क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है। रॉन्ग एंड तरुण केंद्र बोल के एकेडमी है, ये प्रोग्राम करा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बाबाई बंदोपाध्याय। अभी रविंद्र गांगुली রঙেরতরি আর্ট সেন্টারের আর্ট টিচার, অল বেঙ্গল আর্ট সোসাইটির পরিচালনায় রঙেরতরি আর্ট সেন্টারের উদ্যোগে এক হস্তাক্ষর রত্ন অন্বেষণ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল, তা আজ সম্পূর্ণ হলো। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় 200 বেশি ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। হ্যান্ডরাইটিং कंपटीशन हो रहा है। हैंडराइटिंग कंपटीशन के लिए हमारे बच्चे लोग, हम सब गार्जियन लोग के बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ रंगेरतोड़ी बोल के एक संस्थान है, उसमें पिछले 4-5 साल से क्लास करते हुए आ रहे हैं और हर साल ये कंपटीशन ऑल बंगाल के तरफ से होता है, ऑल बंगाल आर्ट सोसाइटी के तरफ से, और इसमें बहुत सारे प्राइज़ भी हर साल हमारे बर्नपुर से मिलते हैं। उसमें गोल्ड, सिल्वर, बहुत तरह के प्राइज़ आते हैं। अभी हैंड राइटिंग कम्पटिशन हो रहा है, कुछ दिन बाद फिर आपका ड्राइंग कम्पटिशन भी किया जाएगा, वो हर साल इसी तरह से होता है। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं बोलो? एक क्लास 8 में है बेटी और क्लास 6 में है बेटा। कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चे लोग यहाँ भाग लिया है? बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये लोग का अपना इंटरनल जो ये है वो इससे पता भी चलता है, ये लोग का इंटरेस्ट किस में वो भी पता चलता है, और ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है तो और बच्चे लोग को मोटिवेशन। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार।